हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। तो आज मैं आ गया हूँ वृंदावन माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। तो जय भद्रकाली सरकार। यहाँ पे जो आपको ये माँ वैष्णो देवी की मूर्ति दिख रही है ना, ये करीब 141 फीट ऊंची मूर्ति है। तो मंदिर में घुसने से पहले हमने 10 रुपए का टिकट लिया, उसमें अपना सारा सामान रखा और बैग लॉकर में जमा कर दिया। मंदिर में जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो आपको 141 फीट ऊंची माँ वैष्णो देवी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखाई देगी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सबसे पहले माँ यमुना जी के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे लेंगे और उसके बाद फिर हमें माँ गंगा मैया दिखाई देंगी। माँ गंगा मैया के पीछे झरना भी चल रहा था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम गए आर्ट गैलरी में। यहाँ पे मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था ना, 27 नवंबर 2004 से स्टार्ट हुआ था और 8 अप्रैल 2010 को खत्म हो गया था। उसकी यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, जो को आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। आप आइए तो आर्ट गैलरी में जाइए और सारी तस्वीरें को देखिए। उसके बाद हम मंदिर प्रवेश द्वार में, जो मुख्य मंदिर है ना, उसके प्रवेश द्वार में अंदर की तरफ गए, जो कि अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था और भव्य भी लग रहा था। मन तो कर रहा था मैं यहीं रुक जाऊं, लेकिन हमें वापस भी जाना था तो हम नहीं रुके। उसके बाद माँ वैष्णो देवी की दर्शन लिए हमने, आशीर्वाद लिए और माँ वैष्णो देवी से बोला, हे माँ, मेरे व्यूज और जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो लाइक्स हैं, वो थोड़े बढ़े और मेरा चैनल थोड़ा ग्रोथ करे। उसके बाद मैंने माँ वैष्णो देवी जी की परिक्रमा लगाई। मैं आपको परिक्रमा तो बहुत देर में लगाई, लेकिन मैं आपको टाइम लेस में जल्दी जल्दी करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम आपको अपनी बक बक सुना सकें। उसके बाद हम गुफा में अंदर की तरफ गए। तो गुफा में अंदर की तरफ गए तो अंधेरा बहुत था, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं माँ वैष्णो देवी का नाम लिया और अपने डर को दूर भगाया। उसके बाद सबसे पहले हमने गणेश जी का आशीर्वाद लिया और गणेश जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम अपने गुफा की यात्रा शुरू करी। शुरू करने के बाद सबसे पहले माँ शेरवाली मैया के दर्शन किए और उनके चरण स्पर्श किए और माँ से बोला कि माँ, हमसे अगर कोई भूल है तो हमें माफ कर देना। उसके बाद हमने माँ शैलपुत्री का चरण स्पर्श किया और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी जी के चरण स्पर्श किया और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद माँ चंद्रघंटा जी के हमने चरण स्पर्श किया और आशीर्वाद लिया। इसके बाद यहाँ पे माँ तारानी के गाने बज रहे थे, तो मेरा नाचने का मन कर रहा था, तो मैं खुल के नाच रहा था, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ कोई नहीं था, सन्नाटा सब पसरा हुआ था, तो मैंने सोचा नाच लिया। उसके बाद मैंने कुष्मांडा देवी जी, माता कुष्मांडा देवी जी का आशीर्वाद लिया, चरण स्पर्श किया और उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पे गुफा, जो आधी गुफा है उसको खत्म हो गई थी। उसके बाद हम बाहर निकले और सबसे वो बाहर निकलने के बाद जैसे ही मैंने अपना ऊपर सर किया, तो ऊपर शेरोवाली मैया का 141 फीट ऊंची मूर्ति और उनके साथ में बैठे थे हनुमान जी। हनुमान जी भी बहुत ऊंचे थे, उनकी भी मूर्ति बहुत ऊंची थी। ठीक है, उसके बाद मैं परिक्रमा लगाया, उनके चारों तरफ घूमा। तो उसके बाद ये आपको ये और ये कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे शिव जी की 146 फीट ऊंची मूर्ति बनेगी। उसके बाद हम दूसरे गुफा में गए, ठीक है, वहाँ पे भी गाने बज रहे थे, तो वहाँ पे मेरा नाचने का भी मन कर रहा था और मैं नाच भी रहा था, क्योंकि मज़ा आता है यार, फिर भी एक गाने बजते हैं ना तो नाचने का मन तो करता है, और जब कोई हो ना तो और नाचने का मन करता है। तो भाई मैं तो देख रहा, खुशी देख रहे हो, मतलब लौंडे खुशी देख रहे हो, कितना खुश है, इतना खुश कि मतलब नाच रहा है। उसके बाद माँ स्कंद माता जी की हमने चरण स्पर्श किए, ठीक है, उनसे आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद माँ कात्यायनी का चरण स्पर्श किया और उनका आशीर्वाद लिया। फिर नाचते गाचते मैंने सारे देवियों का आशीर्वाद लेने के बाद ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। तो ऐसे और मजेदार ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलना लाइक करो, लाइक मत करो, गजब बेइज्जती है। इसकी बात तो ध्यान मत दो, ये नहीं चाहता अपनी लाइफ में तरक्की करो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक मत करो, लाइक करो, ये जुड़ो बोला, और चंद्रमा वीडियो को और बोलना वो गाली देता है, अच्छा कर दो उसके लिए, लाइक भी कर देना, गाली सुनने को मिलेगी नहीं, नहीं आप लोगों को नहीं दी गाली सुनने को मिलेगी, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कभी कभी आपको एक इंसान भी मिलेगा इस वीडियो में।